जी हमें ज्वाइन किया जी जहरा गनी साहब ने। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। तो अभी मैं सबसे क्वेश्चन कर रहा था एक छोटा सा कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है। अच्छा ठीक तो है। कुछ लोगों ने आंसर किया है, तो हमने आपके लिए ये क्वेश्चन रखा हुआ था कि डिटेल में हम आपसे पूछेंगे ठीक है। और और आपसे लोगों के क्या मशवरा लेना। आंसर्स थे यूजुअली, क्या डिफरेंसेस हैं? यूजली जो है कुछ लोगों ने तो आंसर देना पसंद नहीं किया अच्छा ठीक है। और कुछ लोगों ने ये कहा है जी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं जो सिर्फ बातें सुनाते हैं और दवाई नहीं देते, साइकियाट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन देते हैं। ये तो एक, चले कह लें कि एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये एक डिफरेंस वैलिड है। बट दूसरा डिफरेंस जो सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है दैट साइकियाट्रिस्ट जो है बेसिकली दे स्टडी MBBS एंड देन उसके बाद स्पेशलाइजेशन होती है उनकी साइकियाट्री में, मेडिकेशन साइकियाट्री में, जिसके अंदर वो बकायदा DSM पढ़ते हैं, सारी बीमारियां पढ़ते हैं, उनके सिम्टम्स पढ़ते हैं, उनके लिए कौन सी मेडिसिन सूटेबल है, कौन सी नहीं है, कौन कौन से मेडिसिन के डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं और किस किस तरह की उनके ऊपर ट्रीटमेंट एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू द डिजीज और डिसऑर्डर। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो MBBS डिग्री नहीं करते, इट्स बैचलर्स इन साइकोलॉजी एंड देन दे गो फॉर मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। यहाँ पे मास्टर स्पेशलाइजेशन में आता है, फॉर इंस्टेंस मास्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्राइम साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, देर आर लॉट ऑफ फील्ड इन साइकोलॉजी एज वेल, चाइल्ड साइकोलॉजी, एडल्ट साइकोलॉजी, एडिक्शन साइकोलॉजी को लेकर। सो दीज आर डिफरेंट, बट क्लिनिकल इज एन अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर हर साइकोलॉजी की फील्ड को स्टडी किया जाता है, इवन फार्माकोलॉजी और साइकैट्री को भी, ताकि अगर कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास अपने प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं दवाइयों की या ट्रीटमेंट के बारे में, तो उनको पता हो कि उनको कौन सी मेडिसिन दी गई है, उनका डायग्नोसिस क्या है, उनके सिम्टम्स क्या है, उनको ट्रीट कैसे किया जाता है। सो यस, दीज आर द डिफरेंस। ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट और साइकैट्रिस्ट इकट्ठे काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है बकायदा 45 मिनट्स टू 1 आवर का सेशन कंडक्ट करते हैं और फिर वो साइकैट्रिस्ट को रेफर करते हैं। बट यहाँ हमारे पाकिस्तान में लोग डायरेक्टली साइकैट्रिस्ट के पास चले जाते हैं और साइकैट्रिस्ट उनको डायरेक्टली डील भी कर लेते हैं। और यहाँ पे अब तो खैर इट्स रियली फाइन, बट कुछ सालों पहले ऐसा होता था कि देर वॉज अ रेजिस्टेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकैट्रिस्ट, एंड दे वर लाइक यू नो साइकोलॉजिस्ट बेहतर है या साइकैट्रिस्ट, एंड इनफैक्ट ये सारे इकट्ठे काम करते हैं, दैट इज हाउ यू मेक अ पर्सन फाइन। जी सबको जवाब मिल गया जी। किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं इस बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। बाकी वर्कशॉप फिर शुरू करते हैं, उसके क्वेश्चन इंशाल्लाह एंड पे होंगे। यस।